जय माता दी साथियों, सुबह की सभी मित्रों को राम राम। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपना ब्लॉग अपने ऊपरी ऊपर वाले फ्लोर से बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ से वैली बहुत ही खूबसूरत दिखती है। यहाँ बहुत ही हाइट पे है, तो बहुत ही सुंदर नज़ारे यहाँ से आते हैं। मित्रों, आप लोगों का बहुत ही प्यार मिल रहा है। पहाड़ों में आए हुए लमसम हमको 1 महीना होने को आ रहा है, और यहाँ आने से हमारे अंदर बहुत ही सुधार आया हुआ है। प्रकृति के बीच इतना लंबा टाइम बिताने पर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, और शरीर पहले से काफ़ी स्वस्थ हो गया है। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता, क्रोध नहीं आता, और बहुत ही शांति महसूस होती है। यहाँ की खूबसूरत वेली, चिड़ियों की चहचहाट और सुंदर खेती, यहाँ की फल फ्रूट के बगीचे, ये इतना आकर्षित करते हैं। मनमोहक दृश्य होता है यहाँ का। यहाँ आके ऐसा लगता है कि जैसे इससे पहले कहीं पर भटक रहे थे, अब जाके एक ठौर मिल गया, एक ठिकाना मिल गया कहीं पे। आज यहाँ बदली सी छाई हुई है, 1 से 2 दिन में लग रहा है यहाँ बारिश का तगड़ा प्रहार आने वाला है। आज आसमान में देखो एक अनोखी छटा छाई हुई। ये पीछे की जो वेली आप देख रहे हैं, ये मुक्तेश्वर महाराज हैं। यहाँ से साक्षात भोलेनाथ जी का मंदिर दिखाई देता है। हर हर शंभू, जय हो भोलेनाथ। आज बदली की वजह से बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है। वेली बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और धूप गायब है आज। हमारे चारों तरफ ही पहाड़ हैं, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आते हैं यहाँ से। गुलाब बहुत ही खूबसूरत गुलाब, पहाड़ी गुलाब के क्या कहने। ये मैंने जब यहाँ शुरुआत की थी तभी लगा दिया था ना। कहाँ से लाए थे ये? हमारे ऊपर वाली वॉल में अभी एक कोट कलर हो गया है, बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। ये हमारी बालकनी है, हमारे ऊपर वाले फ्लोर के चारों तरफ से बालकनी दी हुई है हमने। इधर भी अभी बाहर जो बरामदा है, ये बरामदा का साइज हमारा है 10.5 बाई 32 फुट का बरामदा है। बहुत ही स्पेसिक है, यहाँ आराम से 12-15 लोग बड़े आराम से कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं बाहर। यहाँ ऊपर में हमारे 2 रूम हैं। ये दोनों रूम हम रेंट आउट करेंगे। आज छत से मैं आपको चारों तरफ पहाड़ के नज़ारे दिखा रहा हूँ। हमारे तरफ से चारों तरफ ही वेली है, बीच में घर है, चारों तरफ से पहाड़ है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य आता है। सूर्य भगवान हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं। आज पूरा बदली छाई हुई है पहाड़ों में, और बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा है। ये हमारी सीढ़ियाँ ऊपर वाले फ्लोर की भी कंप्लीट हो गई हैं, अभी रेलिंग का और दीवार का कलर का काम ही रह गया है इस पे। इधर साइड में हमारा पानी का टैंक है, इसी में हम पानी स्टोरेज करते हैं, और यहाँ से हम अपने मोटर के द्वारा अपनी छत पे पानी चढ़ाते हैं। ऊपर का सारा टाइल वर्क का काम फिनिश हो गया है, और रेलिंग में कलर लग रहा है, दीवारों पे कलर लग रहा है। रात को काफ़ी टाइम हो गया था, आज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा नहीं पाए। सबसे पहले हमारी मम्मी उठ जाती हैं, और यहाँ बाहर यहीं काफ़ी देर से टहल रही थी, अभी यहाँ बैठी हुई हैं। ये साथियों हमारा मेन गेट, उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारा स्पेस है। ये मैंने और हमारे बच्चों ने मिलके हमने इसे सारा डेवलप किया है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी थी। ये ऊपर भी हमारा एक खेत है, अभी इस पे हम फ्लावर्स का गार्डन बनाएंगे, और यहाँ नीचे जो एरिया देख रहे हैं यहाँ ग्रीन घास लगेगी। यहाँ इधर भी एक ग्रीन घास लगेगी, और यहाँ ऊपर जो चौकी है यहाँ बुद्धा स्थापित होगा। ये हमारी जो
सीढ़ियों की रेलिंग है, इन पे पेंट कलर लग गया है। और ये आप ये जो चार पिलर से देख रहे हैं, यहाँ हम एक हट बना रहे हैं, झोपड़ी बना रहे हैं हम यहाँ, जिससे इसके नीचे हम योगा कसरत भी कर सकें कुछ। इस पे टाइल्स वगैरह लगा देंगे और वैली के नज़ारे लेते हुए हम यहाँ योगा कसरत कर सकते हैं, बोन फायर कर सकते हैं और बैठ के गप्पे लड़ा सकते हैं। मल्टीपर्पज़ के लिए है ये जगह। ये हमारे कुछ पाइपें बच गई थी और चादरें बच गई थी, तो इनको सारे को हम यहाँ पे, ये टोटल 10x10 का है, काफ़ी स्पेस मिल जाएगा यहाँ भी। बस दो दिन का और काम रह गया है। ये हमारा एक आड़ू का पेड़ है, इसकी कटिंग हमने नहीं कराई थी, तो आड़ू के साइज़ थोड़ा इसमें छोटे छोटे हैं। ये फलों से इतना ज़्यादा लदा हुआ है कि ये झुक गया है, इसमें बहुत सारे फल हैं, कभी कभी बच्चे आके तोड़ के खा लेते हैं। हमारे पास टोटल 6 आड़ू के पेड़ थे, बाकी आड़ू के पेड़ फिर काटने पड़े, अब हम नए पेड़ फिर से लगाएंगे। ये सामने से हमारे कॉटेज का व्यू, अभी रेलिंग में कलर लग गया है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, सिर्फ एक एक कोट लगा है। अभी सारे फ्रंट का कलर भी हम चेंज कराएंगे, जो ब्लैकिश कलर दिख रहा है सब हटेगा ये, क्योंकि यहीं से लोकल माल लिया था, इसकी क्वालिटी पसंद नहीं आई, तो इस पर दोबारा डबल कोट फिर होगा। ये सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट, चाय के साथ का स्नैक्स जो है वो रेडी हो गया है, ब्रेकफास्ट तो भी बनेगा। ये शुगर फ्री वाली चाय आ गई है, बाकी लोगों की भी चाय आ रही है। सुबह सभी लोग चाय का आनंद लेते हुए, और मम्मी मज़ा आ रहा है, खूब तला भुना चल रहा है, पहाड़ों का फुल आनंद, जो चीज़ में दिल्ली में खाने के लिए तरस गए थे, यहाँ ठंडे मौसम में वो सब चीज़ें अच्छी लग रही। और प्रीति जी सुबह सुबह चाय पी, सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग, चाय बन गए, पापड़ तल के ले आई, अब ब्रेकफास्ट में क्या रहेगा? पोहा। पोहा बनाओगी आज? चलिए ठीक है यार। बच्चे अभी क्या ब्रश कर रहे हैं? आसमान में बहुत ही सुंदर बादल छाए हुए हैं, ये जो वाइट वाइट कलर के बादलों की छटा पहाड़ों में दुधिया बन जाती है ना, ये बहुत ही मनमोहक लगती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मेरे को सबसे प्यारे बादल ही लगते हैं, ऐसे लगता है वैली के ऊपर आके इन्होंने अपना एक कब्जा सा बना लिया, डेरा डाल दिया। वो पहाड़ों की ऊंची चोटी पे देख रहे हैं आप, धूप दिख रही है, बाकी सब तरफ धूप गायब है और बहुत ही ठंडा लग रहा है। इस टाइम एकदम कपकपी वाला माहौल हो रहा है, और यहाँ पर जितना भी तला भुना खा लो सब एडजस्ट हो जाता है, जो दिल्ली में खाते ही पेट खराब हो जाता था, यहाँ जो भी आप खा लो सारा आपको हजम हो जाता। आप लोग देख रहे हैं बहुत ही शानदार वैली का व्यू आ रहा है इस टाइम, और आसमान में इतने सुंदर बादल आए हुए हैं। आज ही मौसम बनते बनते रह गया, बारिश होने की आशंका थी, लेकिन आज निकल गया, बारिश नहीं हुई। बहुत ही खूबसूरत वैली, इधर देखिए आसमान में कितने सुंदर बादल आए हुए हैं। साथियों, ये जो चार पिलर आप खड़े देख रहे हैं, इसमें हम ऊपर टिन का छत बना रहे हैं, इस पर इसके नीचे बॉन फायर करने के लिए स्पेस बना रहे हैं। ये हमारा एरिया 10x10 का है, जिसमें 10-12 लोग इसके नीचे बैठ सकें और बढ़िया यहाँ पे इंजॉय कर सकें, या सेकंड पर्पज़ इसका, इसमें टाइल्स वगैरह लग जाएंगी तो योगा वगैरह करने के लिए भी बहुत बढ़िया जगह निकल जाएगी। सामने वैली का व्यू है, और उधर यहाँ पर टीन का सेट बनाएंगे, क्योंकि कुछ लोहा हमारे पास बच गया था तो यूज में नहीं आया, तो हमने सोचा इसका यूज में ले लेते हैं। पेंट पॉलिश का काम चल रहा है, कलर लग रहे हैं,
अभी जो अंदर का कलर है ब्लैक कलर सा दिख रहा है, ये कलर भी चेंज कराएंगे हम। ऊपर भी रेलिंग वगैरह में कलर लग गया है। नमस्कार साथियों, अभी देख रहे हैं सुबह के शाम के 7:30 हो गए हैं और दिन भर के थकावट के बाद अभी थोड़ा टाइम मिला है तो मैं बोला कुछ बातें आपसे करते हैं। आज दोस्तों आए हुए हमको 23 दिन हो गए पूरे, और 23 दिन से एक दिन भी जीन्स टी शर्ट शर्ट पैंट कुछ भी डालने का मौका नहीं लगा। 23 दिन से एक लेबर की तरह यहाँ 8 से 9 घंटे वर्किंग चल रही है। अब 2 दिन का और काम रह गया, अब लास्ट ही काम है, काम फिनिश ही है अपना। ऊपर का काम तो ख़त्म हो गया, नीचे के थोड़े थोड़े बाहर के काम रह गए हैं, वो भी फिनिश हो जाएं तो प्रभु की कृपा से फ्री हो जाएं। पीछे देख रहे हैं वेली में बहुत ही खूबसूरत लाइटें जल रही, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, लोग यहाँ आना चाहते हैं। मैं आपको बता दूँ कंस्ट्रक्शन कराना बहुत ही टफ है यहाँ पर, ज़मीन लेना फिर भी इजी है, कंस्ट्रक्शन कराना यहाँ बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए कोई भी फैसला लेने के पहले आप एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंट्रैक्टर को काम देते हैं तो क्वालिटी में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और कॉस्ट भी आपको महंगी पड़ेगी। सेल्फ डिपेंड होकर काम कराते हैं तो आपको खुद को इन्वॉल्व रखना पड़ेगा, आपको बिजी रखना पड़ेगा। आज मेरे को 6 महीने पूरे हो गए हैं, मेरा 4 किलो वज़न कम हो गया जब से इस पे प्रोजेक्ट पे लगा हूँ। यह है कि एक रिकॉर्ड है कि इतने कम टाइम में पहाड़ों में कोई भी मकान नहीं बना पाया, जितने कम टाइम में मैंने कंस्ट्रक्शन करके पूरा कर दिखाया। टाइम तो कम टाइम में काम तो हो गया मेरा, लेकिन मैं भी साथ में लगा रहा, बहुत मेहनत लगी और जो लोग काम करने वाले हमें मिले उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और अपना पूरा 100% काम सपोर्ट दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे हम जाके अब हमारा काम अब 99% हो गया है, छोटे मोटे 1-2 काम और रह गए हैं। तो इसलिए मैं आप बता दूं, देखने में लगता है आप दिल्ली या बड़े शहरों में जहाँ से भी देख रहे हैं वीडियो, ऐसा लगता है कि सब कुछ इतना इजी है। सिटी शहरों में कंस्ट्रक्शन का काम कराना और यहाँ बहुत बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ एक तो लेबर और मिस्त्री बहुत कम है काम करने वाले, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर और यहाँ कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती है। इसलिए अगर आप लोग यहाँ ज़मीन लेके मकान बनाना चाहते हैं तो अपने आप को एकदम मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि 6 महीने का 6 से साल भर आपको यहाँ मकान बनाने में लग सकते हैं और बहुत ही टफ वर्क होगा, ये आप सोच समझ लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं लगेंगे आपका काम यहाँ हो नहीं सकता। अगर आप इन्वॉल्व में हैं तब तो ठीक है, अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको कॉस्टिंग बहुत ही महंगी पड़ने वाली है। पहाड़ों में बसना आना सबको अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ इतना आसान नहीं है। अगर आपके अंदर क्षमता है, पावर है, तभी आप आगे पैर बढ़ाइए, नहीं तो आप आइए महीने 2 महीने के लिए होम स्टे में रुकिए, एंजॉय कीजिए, गर्मी की छुट्टियाँ बिता के अपने अपने काम पे लग जाइए। प्लॉट और ज़मीन उन्हीं लोग परचेज करें जिनके अंदर यहाँ कंस्ट्रक्शन कराने की क्षमता हो। मैं बार बार कहता हूँ ज़मीन लेना फिर भी इजी है, कंस्ट्रक्शन इजी नहीं है। मैं 6 महीने का मेरा अनुभव है, मैं आज भी 23 दिन से यहाँ एज ए लेबर काम कर रहा हूँ यहाँ, और दिन रात सारी 4-4 टीमों के साथ लगा रहता हूँ। कभी भटेलिया जाना पड़ता है, कभी नथुआ खान भागना पड़ता है, कभी हल्द्वानी, मेरे पास वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिलता, फिर भी जो टाइम बचता है उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों से कुछ बातें करूँ। यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग सोच समझ के फैसला लीजिएगा। जय माता दी, गोप्रो स्टॉप रिकानी। साथियों देख रहे हैं अभी रात के 8 बज रहे हैं और पहाड़ों में कितनी प्यारी लाइटें जल रही हैं, बहुत ही शांत और एकांतवास सा लग रहा है। दूर दूर मकान घर बने हुए हैं अभी भी। अंसारी जी थोड़ा सा नीचे का टाइल रह गया था वो भी लगा रहे हैं, ये 10 बजे तक अभी काम चलेगा। ऊपर कारपेंटर काम कर रहे हैं, साफ सफाई का काम चल रहा है उनका, उनका काम भी फिनिश हो गया है। प्रीति जी फोन पे बात कर रही हैं।